रिसेंटली संदीप महेश्वरी जी, जिनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर एंड मोटिवेट होता हूँ, उन्होंने अपने रिसेंट वीडियोस में अपने एक इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की है। आई एम द शेयर होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक। अब वो बैंक मेरी कैलकुलेशन कहती है ऑन द मोस्ट कंजर्वेटिव साइड इट विल गिव मी अ रिटर्न ऑफ अराउंड 30% CAGR इन द नेक्स्ट 10 इयर्स। उन्होंने नाम नहीं बताया बट थोड़ी बहुत हिंट्स दी है, अराउंड 9 से 10 हिंट्स मुझे मिली इन दो वीडियोस के जरिए। एंड इन हिंट्स के जरिए हम डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करने वाले हैं दैट कौन से बैंक के बारे में संदीप महेश्वरी जी बात कर रहे हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड लेट्स गेट डाइव इनटू द वीडियो, जहां पर सबसे पहले हम फर्स्ट हिंट की बात कर देते हैं। आजकल तो बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जहां पर ऑटोमेटिकली ये काम हो जाता है, जैसे ही आपका बैलेंस एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिकली एफडी बन जाती है, ऑटोमेटिकली टूट जाती है, उसमें पेनल्टी भी नहीं लगती है। तो इस हिंट से मुझे लगा कि ये बैंक कोटक महिंद्रा बैंक हो सकती है, बिकॉज काफी सारी एड्स चल रही है कोटक महिंद्रा बैंक की एक्टिव मनी करके, जो बेसिकली स्वीप इन फैसिलिटी है। बट द थिंग इज दैट कोटक महिंद्रा बैंक की तरह ऑलमोस्ट सारी बैंक में स्वीप इन फैसिलिटी होती है। द थिंग इज कोटक महिंद्रा बैंक इसको मार्केट कर रही है एंड दैट्स व्हाई मुझे लगा दैट शायद से ये बैंक कोटक महिंद्रा बैंक हो सकती है, बट आई एम रॉन्ग, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेट्स गेट डाइव इनटू द सेकंड हिंट कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो ना बदले, जो कोई थॉट ना हो, कोई आइडिया ना हो, कोई कॉन्सेप्ट ना हो। इट शुड नॉट बी बेस्ड अपॉन होप ऐसा हो जाएगा। एंड इसे हम हिंट नहीं कह सकते बिकॉज वी नो दैट उन्होंने किसी बैंक में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने ये भी कहा दैट उन्हें उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद है जहां पर वो कंपनी सालों साल तक बदले ना। इस थॉट प्रोसेस से मैं भी बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ। अगर आप मेरा पोर्टफोलियो भी देखोगे, बाय द वे पोर्टफोलियो रिवील सीरीज इज गोइंग ऑन, फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गया है एंड सेकंड वीडियो इस सैटरडे 11 बजे अपलोड हो जाएगा। एंड अगर आपको चेकआउट करनी है, लिंक अगेन आपको ऊपर कार्ड में और लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी। बट इस थॉट प्रोसेस से मैं बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ। दैट्स व्हाई अगर आप मेरे पोर्टफोलियो में देखोगे तो इन्हीं सारी कंपनीज, जो कंपनी सालों साल तक बदलेगी नहीं, उन्हीं सारी कंपनीज में मैं भी खुद इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ। चलो इस हिंट को हम हिंट नहीं एक लर्निंग मानते हैं। सो चलिए सेकंड हिंट की तरफ। उस बैंक के डिपॉजिट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ये सिग्नल है कि पब्लिक को ट्रस्ट है उस बैंक के ऊपर। कासा मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो, दैट शुड बी अराउंड 40%। तो यहां पर अगेन आई थॉट अबाउट कोटक, बिकॉज़ कोटक का कासा रेशियो हमेशा हाई रहा है एंड राइट नाउ कोटक का कासा रेशियो 49% के आसपास है। बट द थिंग इज अगर वेल रन बैंक है तो 40% के ऊपर कासा रेशियो जाना इज नॉट अ बिग डील। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इन सारी बैंक्स का कासा रेशियो 40% के आसपास या फिर 40% से ऊपर है। लेट्स डाइव इनटू द थर्ड हिंट। यानी अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो ये जो बैंक एक ऐसा भी फेज था आज से आई थिंक 4-5 महीने पहले, जब वो बहुत नीचे चला गया, बहुत मतलब 10-15% टूट गया। तो 6-7 महीने पहले इस बैंक का स्टॉक प्राइस 10-15% नीचे आया था। सो जो मेरे माइंड में स्टॉक का नाम चल रहा था विच इज कोटक महिंद्रा बैंक, मैंने उसका चार्ट ओपन किया एंड मुझे पता लगा दैट 6-7 महीने पहले इस बैंक का स्टॉक प्राइस भी 10-15% नीचे आया था। बट द थिंग इज इमीडिएटली नेक्स्ट बात उन्होंने बोली आज वो स्टॉक बहुत ऊपर है, तो अगर मैं आपको नंबर बताऊंगा तो आपके पैरों के नीचे जमीन निकल जाएगी सुन करके। फिर मैंने देखा दैट कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक प्राइस ऊपर तो आया है बट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं आया है। सो यहां पर मुझे थोड़ा डाउट आया दैट शायद मैं गलत हो सकता हूं। लेट्स गेट डाइव इनटू द फोर्थ हिंट व्हिच इज अबाउट CEO। कौन ऐसा CEO है जिसका की ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही कमाल का है, जिसने बहुत छोटे लेवल से शुरू किया और कुछ बहुत बड़ा बना दिया, तो अब जब वो एक बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहा है तो उसके लिए कुछ बड़ा बनाना बहुत आसान है। रिसेंटली कोटक महिंद्रा बैंक के CEO उदय कोटक जी ने रिजाइन किया है, आई थिंक एक हफ्ते या फिर 4-5 दिन पहले, बट उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक को रन किया है मोर देन 2 decades, अराउंड 20-25 ईयर्स से कोटक महिंद्रा बैंक को उदय कोटक जी रन कर रहे हैं एंड सिंस इंसेप्शन उन्होंने बैंक को मैनेज किया एंड अच्छे से ग्रो किया। अगेन आई थॉट दैट मैं एक सही राह पर चल रहा हूँ एंड जो मेरे माइंड में बैंक का नाम है वो सही है, बट इट इज नॉट द राइट नेम, आगे हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट डाइव इनटू द फिफ्थ हिंट। बैंकिंग सेक्टर बहुत तेजी से बदल रहा है, कुछ ऑनलाइन हो गया है, डिजिटल हो गया है, इसको न्यू एज बैंक बोलते हैं। अब देखो जैसे जैसे मैं आपको पैरामीटर्स बता रहा हूँ, ये जो ऑप्शंस है वो नैरो डाउन होते चले जा रहे हैं एंड यहाँ पर सारी बड़ी बड़ी बैंक, वेल रन बैंक अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर रही है एंड यहाँ पर कोटक इज ऑल्सो वन ऑफ द बैंक जो अपने कोटक 811 के प्लेटफॉर्म को बहुत अग्रेसिवली मार्केट कर रही है एंड उसको बिल्ड करने में काफी अच्छे से इन्वेस्ट कर रही है। अगेन आई थॉट दैट मैं शायद एक सही राह पर चल रहा हूँ एंड जो ये सारे डॉट्स है वो बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहे हैं कोटक में। बट यहाँ पर हिंट नंबर 6 से आपको भी पता चल जाएगा दैट कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में संदीप महेश्वरी जी बात नहीं कर रहे। मैं ऐसे बैंक पे नहीं ले रहा हूँ जो कि 5 लाख करोड़ है जिसकी मार्केट कैप, क्योंकि 5 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। 5,000 करोड़ पे भी मैं बेट नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वहां पे रिस्क है, तो आई एम गोइंग विद 50,000 करोड़ के आसपास। जो मेरे माइंड में नाम था कोटक महिंद्रा बैंक, उसका मार्केट कैप 3.4 लाख करोड़ के आसपास है। सो डेफिनेटली कोटक महिंद्रा बैंक इज नॉट द बैंक जिसके बारे में संदीप महेश्वरी जी बात कर रहे हैं। कौन सी बैंक है जिसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ के आसपास है एंड बाकी के सारे पैरामीटर्स ये बैंक फुलफिल करती है।
एंड देन आई गॉट वन बैंक. मुझे लगता है श्योरिटी के साथ तो संदीप महेश्वरी जी ही बता सकते हैं, बट मुझे लगता है दैट यही वो बैंक है जिसके बारे में संदीप महेश्वरी जी बात कर रहे हैं, जिस बैंक का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक. तो अगर हम IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक का मार्केट कैप 63,000 करोड़ के आसपास है. जब 6 से 7 महीने पहले संदीप महेश्वरी जी ने इन्वेस्ट किया था तो इस बैंक का मार्केट कैप अराउंड 50,000 करोड़ के आसपास होगा, बिकॉज लास्ट 6 मंथ्स में इस बैंक के स्टॉक प्राइस ने बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया है. सो अगेन थोड़ा पीछे जाते हैं, हिंट नंबर 1, क्या ये बैंक स्वीपिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है? तो यस, ये बैंक स्वीपिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. क्या ये बैंक के डिपॉजिट 40% से ऊपर है? कासा रेशियो 40% से ऊपर है. तो यस, ये बैंक के कासा रेशियो 40% से ऊपर है. एंड रिसेंटली बहुत अच्छे से इस बैंक ने अपने कासा रेशियो को ग्रो किया. IDFC बैंक का स्टॉक प्राइस 6 से 7 महीने पहले 10 से 15% नीचे आया था. चलिए चेक करते हैं. 6 महीने पहले अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट IDFC फर्स्ट बैंक का स्टॉक प्राइस अराउंड 17% से नीचे आया था. एंड ऑल्सो अगर आप देखोगे तो वहां से इस बैंक के स्टॉक प्राइस ने बहुत तेजी दिखाई है. नंबर 5, जहां पर उन्होंने बात की है CEO के बारे में, कैप्टन ऑफ द शिप के बारे में. तो IDFC फर्स्ट बैंक के CEO है मिस्टर वी वैद्यनाथन. उनके बारे में अगर मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दू तो IDFC फर्स्ट बैंक के पहले वो कैपिटल फर्स्ट इस NBFC के CEO थे. वी वैद्यनाथन जी के लीडरशिप के अंडर कैपिटल फर्स्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे से ग्रो हुआ है. दिसंबर 2018 में कैपिटल फर्स्ट एंड IDFC बैंक का मर्जर हुआ एंड IDFC फर्स्ट बैंक इंट्रोड्यूस हुआ. नंबर 5, डिजिटल बैंकिंग. तो डिजिटल बैंकिंग में भी IDFC फर्स्ट बैंक बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर रहा है. हिंट नंबर 6, जो हमने डिस्कस किया, मार्केट कैप अराउंड 50,000 करोड़ के आसपास होना चाहिए. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द हिंट नंबर 7. IDFC फर्स्ट बैंक के पहले वी वैद्यनाथन जी कैपिटल फर्स्ट को मैनेज करते थे, उनके CEO थे. एंड द थिंग इज दैट कैपिटल फर्स्ट वॉज एन NBFC. यहाँ पर संदीप महेश्वर जी ने बजाज फाइनेंस की बात की. मैं कुछ हद तक वो बात कर रहा हूँ जिस फेज में बजाज फाइनेंस आज से 10 साल पहले था. पर मुझे लगा दैट यस, शायद से संदीप महेश्वर जी ने बजाज फाइनेंस को भी स्टडी किया रहेगा, कैपिटल फर्स्ट को भी स्टडी किया रहेगा एंड दैट्स व्हाई इस पास्ट परफॉर्मेंस को देख के उनको ट्रस्ट बिल्ड हुआ रहेगा वी वैद्यनाथन जी के ऊपर एंड दैट्स व्हाई ही माइट बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन IDFC फर्स्ट बैंक. जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स गाइस, नथिंग एल्स. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द हिंट नंबर 8. और आज उसकी अर्निंग्स कम है क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है. फ्यूचर में उसकी कॉस्ट टू इनकम रेशियो कम होगी, अर्निंग्स बढ़ेगी, तो क्या वो स्टॉक एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर जाएगा? राइट नाउ अगर हम देखें तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो IDFC फर्स्ट बैंक का हो जाता है 71.9% के आसपास. हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो 2019 से बैंक ने अपने कॉस्ट टू इनकम रेशियो को बहुत ही ज्यादा अच्छे से नीचे लेके आया, जो बहुत अच्छी बात. इन वन ऑफ द कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट में मुझे पता लगा दैट यस, वी वैद्यनाथन जी अपने कॉस्ट टू इनकम रेशियो को और ज्यादा नीचे लेके आना चाहते हैं, अराउंड 65% के आसपास टिल 2025. जहां पर ये कॉन कॉल आप पढ़ सकते हो, ईशान अग्रवाल ने ये क्वेश्चन पूछा है एंड वी वैद्यनाथन जी ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द हिंट नंबर 9. कि जो NPA रेशियो है वो क्या है? अब उसमें ग्रॉस NPA होता है और नेट NPA होता है. क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखते हो तो वो नीचे की तरफ जानी चाहिए, ऊपर नहीं जानी चाहिए. बैंक का नेट NPA अप्रोक्सीमेटली 0.70% के आसपास है एंड ग्रॉस NPA 2.17% के आसपास है. एंड मुझे पर्सनली अगर बैंक का नेट NPA 1% से नीचे हो तो पसंद आता है. सो दिस इज अ रियली गुड मेट्रिक. फाइनली हिंट नंबर 10, जहां पर ही से जो पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, फोकस पर्सनल बैंकिंग पर होना चाहिए, होलसेल बैंकिंग पर नहीं. एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट आफ्टर द मर्जर वी वैद्यनाथन जी ने अपनी रिटेल बैंकिंग पे फोकस बहुत अच्छे से बढ़ाया है. बैंक ने अपनी लोन बुक को बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई किया है. सो ये सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, दैट्स व्हाई मुझे लगता है दैट शायद संदीप महेश्वरी जी ने IDFC फर्स्ट बैंक में इन्वेस्ट किया है एंड उन्हें लगता है दैट ये बैंक इन द फ्यूचर बहुत अच्छे से ग्रो हो सकती है. नो गाइस, दैट मैं सिर्फ डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूँ एंड मैं 100% रॉन्ग भी हो सकता हूँ, पर व्हाट आई थिंक अबाउट IDFC फर्स्ट बैंक इज दैट इट इज अ रियली गुड बैंक. पहले बैंक की लोन बुक में प्रॉब्लम्स थे, बट उन प्रॉब्लम्स को वी वैद्यनाथन जी ने बहुत अच्छे से मैनेज किया है एंड राइट नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम इन द बैंक्स लोन बुक. एंड इफ इन द फ्यूचर बैंक अपने कॉस्ट टू इनकम रेशियो को नीचे लेके आती है तो मुझे भी ऐसा लगता है सर की तरह कि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट का नंबर इंप्रूव हो सकता है. अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो लास्ट 6 मंथ में बैंक का स्टॉक प्राइस बहुत अच्छे से इंप्रूव हुआ है, अप्रिशिएट हुआ है. एंड अगर हम 6 महीने पहले देखें तो प्राइस टू बुक रेशियो, जो एक बहुत अच्छा पैरामीटर माना जाता है किसी भी बैंक को वैल्यू करने के लिए, तो 6 महीने पहले प्राइस टू बुक रेशियो IDFC फर्स्ट बैंक का 1.6 के आसपास था. एंड राइट नाउ अगर कोई इन्वेस्टर इस बैंक में इन्वेस्ट करता है तो ही इज गिविंग 2.5 के आसपास का प्राइस टू बुक मल्टीपल. क्या ये PB मल्टीपल, प्राइस टू बुक मल्टीपल, महंगा है या फिर सस्ता है? इसके ऊपर हर एक इन्वेस्टर का अलग ओपिनियन हो सकता है. अगेन गाइस, प्लीज एज अ डिस्क्लेमर, डोंट टेक इट एज अ फाइनेंशियल एडवाइस एंड दिस वीडियो इज जस्ट मेंट फॉर एजुकेशनल पर्पस. ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी दिस एपिसोड. एज ऑलवेज डू लाइक दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. आपको क्या लगता है कौन से बैंक के बारे में संदीप महेश्वर जी बात करें? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक लिए
टाटा।